गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, मैं आप सभी का द इंजीनियर्स के ऑनलाइन पोर्टल पे फिर से स्वागत करता हूं। अगर हम पिछले लेक्चर की बात करें, थोड़ा सा उसके बारे में हम रिव्यू कर लेते हैं कि क्या हमने पढ़ा था और क्या हमें अब डिस्कशन करना है। अगर हम पिछले लेक्चर्स की बात करें जिसमें हमने डिस्कस किया था डेंसिटी के बारे में कि कैसे हम कौन से मेथड्स हो सकते हैं जिसके कारण आपने निकाला था, जैसे कोर कटर मेथड पढ़ा था, सैंड रिप्लेसमेंट मेथड हमने पढ़ा था, उसके अलावा हमने पढ़ा था वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड क्या होता है, और इसके पिछले लेक्चर की अगर बात करें तो वाटर कंटेंट के बारे में डिस्कशन हुआ था। वेरियस मेथड से उन पे कुछ क्वेश्चंस हो सकते थे, उनके बारे में हमने क्वेश्चंस यहाँ पे डेराइव किए हैं। कुछ क्वेश्चन यहाँ पे आईईएस में पूछे गए हैं, कुछ क्वेश्चन एसएससी जेई में पूछे गए हैं, तो उनके बारे में हमको यहाँ पे क्या करना है, डिस्कशन करना है। तो आइए हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सॉइल न्यूमेरिकल डिस्कशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन सबसे पहले हम पढ़ते हैं और उसको समझते हैं। देखिए, क्वेश्चन कोई भी हमको करना है तो सबसे बड़ी बात है उसको अच्छे से पढ़ना है, पढ़ने के बाद उसको समझना है, फिर हमें जवाब देना है कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। अगर हम पहले बात करें द कॉमनली, देखो यहां पे एक चीज है, द कॉमनली यूज्ड मेथड फॉर क्विक, ध्यान दीजिएगा यहां पे, दैट इज अंडरलाइन पार्ट। क्विक का मतलब होता है कि आप बहुत ही जल्दी, बहुत ही फास्ट। क्विक का मतलब होता है दैट इज फास्ट, दैट इज फास्ट। अगर हम किसी भी वाटर कंटेंट को बहुत ही जल्दी निकालना चाहते हैं, क्विकली निकालना चाहते हैं, आप वाटर कंटेंट ऑफ फील्ड एम्बैकमेंट, मतलब यहां पे जो भी हमको करना है वो कहां पे करना है, फील्ड पे निकालना है। मतलब आपने एक एम्बैकमेंट बनाई और उस एम्बैकमेंट में जो सॉइल है उसका वाटर कंटेंट निकालना है, वो भी बहुत ही जल्दी जरूरत आपको है, बहुत ही 10 मिनट में, 5 मिनट में या 15 मिनट की बात कर सकते हैं। तो फर्स्ट मेथड की अगर हम बात करें तो ओवन ड्राई है। ओवन ड्राई की अगर बात करें तो यहां पे जनरली जो होता है दैट इज 24 आवर्स आपको क्या होते हैं, लग जाते हैं, तो ये तो क्विक मेथड नहीं हो सकता है। नेक्स्ट की अगर बात करें सैंड बाथ जो मेथड रहता है, मैंने बताया था कि जो सैंड बाथ मेथड होता है वो ऑर्गेनिक सॉइल के लिए सुटेबल नहीं होता है। और सैंड बाथ मेथड हम कहां पे यूज करते हैं, जहां पे ओवन ड्राई अवेलेबल नहीं होता है। उसके बाद अगर हम करें अल्कोहल मेथड, अल्कोहल मेथड भी जो होता है वो फील्ड मेथड होता है, और हम जैसे उसमें मेथिलेटेड स्प्रिट को ऐड कर देते थे और उससे हम मॉइस्चर कंटेंट निकालते हैं। अल्कोहल मेथड भी जो है ऑर्गेनिक सॉइल के लिए सुटेबल नहीं होता है। अगर इसकी बात करें तो इसमें कम से कम ज्यादा टाइम लगता है, मान के चलो 20 से 25 मिनट की बात कर लें, इसमें लग जाता है। एल्कोहल मेथड में भी लगभग टाइम लगता है, ऐसे 20 एग्जैक्ट तो नहीं पता, लेकिन हाँ 20 से 25 मिनट तो के आसपास लग जाता है टाइम। लेकिन जो कैल्शियम कार्बाइड मेथड है इसमें टाइम आपका क्या लगता है, कम लगता है। तो इसके केस में अगर आप टाइम देखोगे तो यहां पे जो टाइम है वो आपका लगता है 5 से 7 मिनट के आसपास, तो 5 to 7 मिनट्स। तो आप देखो सबसे कम टाइम किसमें लग रहा है, एक में लग रहा है आपका दैट इज 24 आवर्स, एक में 20 से 25 मिनट लग सकता है, और कैल्शियम कार्बाइड जो है मेथड जिसको हम लोग इसमें कैल्शियम कार्बाइड का यूज किए थे और एसिटिलीन गैस क्या होती है, रिलीज होती है। तो कैल्शियम कार्बाइड इज द फील्ड मेथड, उसके बाद इसको क्विक मेथड रहता है जो कि 5 से 7 मिनट में हमारा जवाब वाटर कंटेंट का मिल जाता है। तो इस हिसाब से अगर आप देखोगे तो दैट इज द करेक्ट आंसर, इज द डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो इसने क्वेश्चन में पूछा था दैट इज, ये एसएससी जेई में 2004 में पूछा था, एसएससी जेई 2004 में पूछा था, कब पूछा था 2004, तो 2004 में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। और ऐसे क्वेश्चंस कभी कभार रिपीट होते हैं, ये जेई की बात कर रहा हूं, अगर आप यूपी की बात करोगे, जल निगम की बात करोगे, तो वहां पे ये चीजें क्या हुई है, रिपीट हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपके सामने हम बात करें, अब पिग्नोमीटर इज यूज टू डिटरमिन, पिग्नोमीटर का क्या हुआ? हम किस लिए यूज करते हैं, क्या इससे हम निकाल सकते हैं, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए पिग्नोमीटर सबसे पहले यह जान लेना जरूरी है, मैं क्वेश्चन जरूर करता हूं लेकिन उसके साथ में वेरियस क्वेश्चन क्या बन सकते हैं वो भी मैं यहां पे डिस्कस करूंगा। जैसे पिग्नोमीटर इज यूज टू डिटरमिन, पहली बात यह किस सॉइल के लिए सुटेबल होता है। जो पिग्नोमीटर होता है वो कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए सुटेबल होता है, जैसे लाइक ग्रेवल हो सकता है या सैंडी सॉइल हो सकता है, इसके लिए सुटेबल होता है, नॉट सुटेबल फॉर क्लेई सॉइल और सिल्टी सॉइल, मतलब ऐसी सॉइल के लिए सुटेबल नहीं होता है। तो कई बार एग्जाम में ये भी क्वेश्चंस बन जाते हैं कि ये किस सॉइल के लिए सुटेबल होता है। नेक्स्ट बात करें, हमने डेरिवेशन भी सीखा था कि जो पिग्नोमीटर होता है उसमें हमने डिराइव किया था वाटर कंटेंट निकालते थे और स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालते थे। तो पहले ऑप्शन पढ़ते हैं, वाटर कंटेंट एंड वाइड रेशियो।
अब वाटर कंटेंट तो हम निकालते थे लेकिन वाइड रेशियो पिग्नोमीटर से नहीं निकालते थे। क्या नहीं निकालते थे, देखो यहां पे ये वैल्यू तो हम वहां पे डिस्क्राइब किए थे वाटर कंटेंट के बारे में, लेकिन हम वाइड रेशियो को नहीं निकालते। मतलब वाइड रेशियो अगर आप देखोगे तो ये वाला वैल्यू हम नहीं निकालते थे। तो ये आंसर तो नहीं हो सकता, क्योंकि हम दो चीजें निकालते थे, वाटर कंटेंट और स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो दिस ऑप्शन इज अ कैंसिल आउट। अगली बात करें स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड ड्राई डेंसिटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी तो हम निकालते थे लेकिन ड्राई डेंसिटी नहीं निकालते थे। तो आप देखोगे ये वाली बात भी गलत हो जाती है, तो इसका मतलब ये आंसर भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। थर्ड की अगर हम बात करें वाटर कंटेंट एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी, हाँ ये इट इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि यहां पे हमने जब डराइव किया था तो वाटर कंटेंट भी निकाला था और उसके साथ साथ में हमने क्या निकाला था, स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में भी बात किया था। तो यहां पे दिस इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। डी की बात कर लें वाइड रेशियो एंड ड्राई डेंसिटी, तो ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि हमने ना वाइड रेशियो पिग्नोमीटर से निकाला था और ना ही ड्राई डेंसिटी निकाला था। तो करेक्ट आंसर इज द दिस इज द वाटर कंटेंट एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी। एक बात और यहां पे ध्यान दीजिएगा, वाटर कंटेंट का मैं फार्मूला क्या लिखा था, दैट इज W2, मैंने याद करने का एक तरीका बताया था, W3 माइनस W4 ब्रैकेट G-1 upon G-1 into 100। ये फार्मूला किसका था, वाटर कंटेंट का था। ठीक है, ऐसे भी एग्जाम में क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव अगर आ जाते हैं, चार ऑप्शन बना के दे देगा, कहीं में ऑप्शन में क्या करेगा, G ऊपर कर देगा, G-1 नीचे कर देगा, कहीं में W2 plus W1 कर देगा। तो आपको ध्यान रखना है कि कैसे हम लोग निकालते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें तो यहां पे हमने स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात की थी, दैट इज GS, मैंने याद करने का तरीका बताया था, ये आया था W2 minus W1 divided by W2 minus W1 minus W3 minus W4। कैसे याद करना था, 21 21 minus 34, इस तरीके से हम उसको रिमेंबर कर सकते हैं। तो ये स्पेसिफिक ग्रेविटी था और ये क्या था, दैट इज वाटर कंटेंट। तो दो चीजें यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें दैट इज कोर कटर। अगर कोर कटर की बात करें तो कोर कटर हम किस लिए यूज करते हैं, देखो सबसे बड़ी बात यह है, पहले यह जानना जरूरी है कि कोर कटर का यूज हम लोग क्यों करते हैं। कोर कटर का यूज हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमें निकालना होता है बल्क यूनिट वेट और कहां पे फील्ड में हमको डिस्क्राइब करना होता है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि कोर कटर जो मेथड यूज करते हैं इससे हमें क्या निकालना होता है, दैट इज यूनिट वेट। क्या निकालते हैं, कोर कटर अगर हम बात करें तो यहां पे मैं लिखता हूं दैट इज यूनिट वेट। देखिए हम अगर एक चीज पढ़ते हैं तो उसके साथ में कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं उसके बारे में सोचना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर हम कम पढ़ के और ज्यादा क्वेश्चन बना लेते हैं तो हमारे लिए टाइम की बचत हो जाती है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। और देखो सिलेबस सिविल इंजीनियरिंग का काफी ब्रॉड रहता है और आप चीजें अगर लिंक करा के पढ़ोगे तो आपको लॉन्ग टर्म याद रहेगा, वो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो कोर कटर मेथड इज सुटेबल फॉर विच टाइप ऑफ सॉइल, किस सॉइल के लिए ये सुटेबल होता है। तो देखो सबसे पहले हम पहला ऑप्शन की अगर बात करें तो कोर कटर यहां पे सबसे पहला ऑप्शन है ग्रेवली सॉइल, मतलब जिसमें बहुत बड़े ग्रेवल्स रहते हैं, ग्रेवल जिसका साइज 4.7 mm से क्या होता है, ज्यादा होता है। डिस्कस करेंगे कि ग्रेवल क्या होता है, सैंड क्या होता है, उसके बारे में क्लासिफिकेशन में अगला लेक्चर उसी पे बनेगा, दैट इज ग्रेवल सॉइल। नेक्स्ट है सॉफ्ट सॉइल, सॉफ्ट का मतलब होता है थोड़ा सा जो स्मूथ होती है, जैसे क्ले प्लस समथिंग का मिक्सचर, क्ले सिल्ट प्लस सैंड का मिक्सचर हो सकता है, सॉफ्ट सॉइल में लूम सॉइल आ सकती है। ठीक है, उसके बाद में सैंडी सॉइल जिसमें पूरी तरीके से रेत रहता है उसको बोलते हैं सैंडी सॉइल। फिर स्टोनी सॉइल मतलब वहां पे रॉक्स हैं, इस तरीके की सॉइल रहती है। तो हमने क्या पढ़ा था, जब कोर कटर को पेनिट्रेट कराते हैं तो वहां पे सॉइल जब तक स्मूथ नहीं होगी तब तक कोर कटर उसमें जाएगा ही नहीं, अंदर पेनिट्रेट नहीं करेगा। जब आप हैमर से उसको, रैमर से जब उसको पेनिट्रेट कराओगे, जब सॉइल स्मूथ होगी, मुलायम होगी, तभी जाकर के सॉइल क्या, नीचे आपका कोर कटर क्या करता है, पेनिट्रेट करता है। तो आप देखोगे जो ग्रेवल होगा और स्टोन होगा उसमें कोर कटर पेनिट्रेट ही नहीं होगा, अंदर जाएगा ही नहीं। तो इस हिसाब से स्टोन और आप देखोगे दैट इज ग्रेवल, ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। अब दो ऑप्शन बचते हैं आपके सामने, एक सॉफ्ट सॉइल हो सकता है, एक सैंडी सॉइल हो सकता है। सपोज आपने सैंडी सॉइल अगर ले लिया और जैसे ही सैंपल को आप कोर कटर को बाहर निकालोगे तो आप देखोगे जो सैंड होगा वो फिर से कहा, जो सैंड आप निकाल रहे हो, सैंड जो रहती है वो कोहेशनलेस सॉइल होती है, उनमें आपस में कोई कोहेशन नहीं होता है। जब आप सैंपल को बाहर निकालोगे तो आप ये देखोगे कि जो भी सॉइल सैंपल उसके अंदर भरा था सैंडी सॉइल, वो फिर दोबारा क्या होता है, वो जो भी आपने डिक किया था वहां पे पोर्शन, जिस सैंपल को आप निकालते हो फिर से सॉइल सैंपल उसी में गिर जाएगा, क्योंकि सैंडी सॉइल आप देखोगे कोर कटर के साथ चिपकेगी नहीं।
लेकिन जो क्लेई सॉइल या आप लोम सॉइल की बात करोगे उनमें कोहेशन होता है, तो कोहेशन के कारण क्या होता है, आपस में बॉन्डिंग हो जाती है। लेकिन सैंड के केस में ऐसा नहीं होता है, तो सैंड के लिए अगर आप देखोगे ये भी मेथड सुटेबल नहीं होता है। तो करेक्ट आंसर इज दैट इज द बी आंसर, तो सॉफ्ट सॉइल के लिए ऐसा कर सकते हो। तो कोर कटर मेथड इज सुटेबल फॉर सॉफ्ट सॉइल, बहुत अच्छे से डिस्कस किया था मैंने, बताया था सैंड के लिए क्यों नहीं करते हैं, ग्रेवल के लिए क्यों नहीं करते हैं, स्मूथ सॉइल के लिए क्या करते हैं। अगर आपको नहीं क्लियरिटी है तो पिछले लेक्चर में जा करके, जो लेक्चर आपका 9 नंबर लेक्चर है, उसमें आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत ज्यादा क्लियरिटी आ जाएगी। अगली बात करें द सैंड रिप्लेसमेंट मैथड इज सुटेबल फॉर विच टाइप ऑफ सॉइल, मतलब सैंड रिप्लेसमेंट मैथड जो हम यहां पर देख रहे हैं इसका नाम है दैट इज सैंड रिप्लेसमेंट मैथड, ये किस टाइप की सॉइल के लिए सुटेबल होता है। अब देखो सैंड रिप्लेसमेंट मेथड की जरूरत क्यों पड़ी, जो चीजें कोर कटर नहीं निकाल सका उस डेंसिटी को निकालने के लिए आपको सैंड रिप्लेसमेंट मेथड का यूज करना पड़ता है। अब देखो यहां पे क्या है, ग्रेवली सॉइल है, उसके बाद में क्लेई सॉइल है, उसके बाद में सिल्टी सॉइल है, और लास्ट में ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। अब मैंने एक बात की थी, अभी कोर कटर की बात कर रहे थे तो वो स्टोन सॉइल के लिए और ग्रेवली सॉइल के लिए सुटेबल नहीं होता है। अब यहां पे क्या करते हैं, सैंड रिप्लेसमेंट मेथड में जो यूज करते हैं वो हम लोग करते हैं दैट इज ग्रेवली सॉइल। तो आप देखोगे जो ग्रेवली सॉइल होती है इस मेथड से तो नहीं निकाल सकते कोर कटर से, मैंने बता दिया उसके रीजन क्या होते हैं, लेकिन सैंड रिप्लेसमेंट मेथड का यूज करके हम लोग निकाल लेते हैं, दैट इज आप देखोगे कि ग्रेवली सॉइल के लिए सुटेबल रहता है सैंड रिप्लेसमेंट मेथड। उससे हम लोग क्या करते हैं, डेंसिटी यूनिट वेट को, बल्क यूनिट वेट को निकाल लेते हैं, और यह भी क्या है, फील्ड मेथड रहता है। कैसा रहता है, फील्ड मेथड। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाएगा कि सैंड रिप्लेसमेंट मेथड से क्या निकालते हैं, तो पहला क्वेश्चन ये बन गया, इससे हम यूनिट वेट निकालते हैं, बल्क यूनिट बोले तब भी सही है, यूनिट वेट बोले तब भी सही है। और अगर दोनों ऑप्शन में दिया है कि ड्राई डेंसिटी की बात कर रहा है, ड्राई यूनिट वेट की बात कर रहा है और बल्क की बात कर रहा है, तो उसमें आप आंसर लगाओगे बल्क यूनिट वेट, क्योंकि जब तक आप वाटर कंटेंट नहीं पता होगा तब तक आप ड्राई डेंसिटी नहीं निकाल सकते। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि जो रिलेशन होता है गामा डी इक्वल टू गामा बल्क अपॉन 1+W, तो जब तक आपको वाटर कंटेंट नहीं पता होगा तब तक आप ड्राई डेंसिटी नहीं निकाल सकते। इसका मतलब है कि अगर दो ऑप्शन दिए हुए हैं, बल्क भी दिया हुआ है और ड्राई भी दिया हुआ है, तो आप कौन सा आंसर लगाओगे, वहां पर बल्क आंसर लगाओगे। ठीक है, अगर अगली बात करें नेक्स्ट, तो इसमें देखो क्लेई सॉइल के लिए सुटेबल नहीं होता है, दैट इज सिल्टी के लिए भी नहीं होता है, सिल्ट और क्ले के लिए सबसे अच्छा मेथड क्या रहता है, कोर कटर रहता है। नेक्स्ट अगर बात करें द वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड इज सुटेबल फॉर विच टाइप ऑफ द सॉइल, वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड किस सॉइल के लिए सुटेबल होता है। तो अगर हम बात करें वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड में, मैंने देखा था कि एक सॉइल सैंपल लिया था, उस सॉइल सैंपल में हमने क्या किया था, जैसे यहां पर मैं बात कर रहा हूं, सबसे पहले यह सॉइल सैंपल था, इसका वेट W1 माना था, उसके बाद ये सॉइल सैंपल के साथ में हमने ये देखा था कि बाद में कोटिंग कर रखा था, किससे कोटिंग कर रखा था, अगर हम देखेंगे दैट इज कोटिंग आपने ये कर रखा था, तो आप देखोगे इस तरीके की कोटिंग हमने की थी पैराफिन वैक्स की, किसकी की थी, पैराफिन वैक्स की थी। ठीक है, तो ये उस सॉइल के लिए सुटेबल होता है जो सॉइल स्टिकी इन नेचर होती है, जैसे जो क्लेई सॉइल होती है और जो स्टिकी होती है, जिसमें चिपकने की प्रॉपर्टी होती है, जिसमें कोहेशन बहुत ज्यादा होता है, तो ऐसी सॉइल के लिए हम जो यूज करते हैं वो यूज करते हैं वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड। वाटर डिस्प्लेसमेंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमने क्या किया था, इस सैंपल को ले जाकर के एक कंटेनर में रख दिया था, कंटेनर में पानी था, पानी में जैसे इसको डुबोया, ड्यू टू बॉयंसी कह सकते हो या आर्कमिडीज प्रिंसिपल के कारण क्या होता है कि वाटर डिस्प्लेस होता है। ठीक है, जैसे ही सैंपल को आप कंटेनर में रखोगे तो जितना इसका वेट होगा उतना ही पानी डिस्प्लेस हो जाएगा, जितना पानी डिस्प्लेस होगा वो वॉल्यूम ऑफ क्या हो जाएगा, वाटर हो जाएगा, वो दोनों के कंबिनेशन के बराबर होगा, जैसे हमने यहां पर लिखा था वॉल्यूम ऑफ वाटर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉइल प्लस वॉल्यूम ऑफ पैराफिन वैक्स। तो आप पिछले लेक्चर में देखोगे मैं वहां पे बहुत अच्छे से उसको एक्सप्लेन किया था, तो यहां पे उतना मतलब नहीं बनता कि फिर से उसी मेथड को बार बार रिकॉल करें। अगर आप देखोगे तो द वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड इज सुटेबल फॉर विच टाइप ऑफ सॉइल, ग्रेवली सॉइल, स्टिकी सॉइल लाइक क्ले, सैंडी सॉइल, ऑर्गेनिक सॉइल। देखो ऑर्गेनिक सॉइल का यहां पर यूज ही नहीं करते हैं डेंसिटी निकालने में ज्यादातर, तो ऑर्गेनिक सॉइल तो यहां पर आंसर नहीं हो सकता है। दूसरी बात, सैंडी सॉइल के लिए हम लोग कौन सा यूज करते हैं, सैंडी सॉइल के लिए जो यूज करते हैं वो आपको बताया गया दैट इज सैंड रिप्लेसमेंट मेथड से हम लोग निकालते हैं। उसके बाद जो ग्रेवली रहता है उसको भी हम लोग किससे निकालते हैं, ग्रेवली सॉइल को भी सैंड रिप्लेसमेंट मेथड से हम लोग निकाल लेते हैं। तो बचा आंसर क्या हमारे पास है, दैट इज
स्टिकी सॉइल जो कि आपकी क्ले हो सकती है। तो उस केस में हम लोग यहाँ पे आंसर निकाल लेते हैं। तो इस तरीके से 5 क्वेश्चन हो गए। अगले 5 क्वेश्चन को हम और अच्छे से डिस्कस करते हैं, दैट इज नेक्स्ट जो डिस्कशन है वो नेक्स्ट 5 क्वेश्चन हम लोग और डिस्कस करते हैं जो कि एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है, तो उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए ये जो स्पेसिफिक ग्रेविटी वाला जो पिग्नोमीटर था, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो ये ध्यान रखिएगा। जो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 था, ये एसएससी जेई में कम से कम 3 times पूछा गया है। कितने बार? 3 times। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एसएससी जेई में 3 times पूछा गया कि पिग्नोमीटर का यूज क्या होता है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो जितने भी यूपी के एग्जाम होते हैं, स्टेट लेवल जेई के एग्जाम, एई के एग्जाम, सब में ये पूछा गया है। तो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि पिग्नोमीटर का यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं। तो नेक्स्ट डिस्कशन हम लोग करेंगे क्वेश्चंस पे, वो ये रहेगा कि जो क्वेश्चंस हैं उसमें कुछ न्यूमेरिकल पार्ट है उसको डिस्कस करेंगे और कुछ आपके थ्योरेटिकल पार्ट रहेंगे उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। और आप एक बात यहां पे ये है कि जैसे लेक्चर्स की अगर हम बात करें तो कई बार क्या होता है, जैसे कंटिन्यूअस 1-2 दिन से लेक्चर कंटिन्यूअस नहीं हो पा रहे हैं तो कई बार क्या होता है नेट प्रॉब्लम रहती है, इस वजह से कंटिन्यूअस लेक्चर नहीं बन पाते हैं। ऐसा नहीं कि लेक्चर यहाँ पे बनाए नहीं जाते हैं, तो कई बार ऐसा भी हो जाता है कि नेट यहाँ पे नहीं चलता है, डाउनलोडिंग के लिए आप डाल दिया जाता है लेकिन अपलोड नहीं हो पाता है कई बार, तो इस वजह से 1-2 दिन लेक्चर यहाँ पे सॉइल का डिले हो गया। लेकिन आगे से ऐसा नहीं होगा, सारे लेक्चर आपके प्रॉपर रहेंगे। तो सॉइल में आप प्रॉपर नोट्स बनाइए, उसको लिखिए, क्योंकि जो भी चीजें मिल रही हैं आपको वो प्रॉपर, ऐसा नहीं कि कहीं पर कोई चीज स्किप की जा रही है। प्रॉपर नोट्स आप बनाएंगे तो हमेशा के लिए आपको काम आएगी ये चीजें, और आप हमेशा जब भी रिवाइज करेंगे आपको चीजें रिकॉल हो जाएंगी, हाँ ये सर ने यहाँ पे बताया था, तो आप देख सकते हो। और ऐसा नहीं है जेई के लिए लेक्चर है, ये बीटेक के स्टूडेंट भी पढ़ सकते हैं, चाहे गेट का स्टूडेंट्स हो और चाहे आप आईएएस के स्टूडेंट हो या कोई अदर स्टेट लेवल आप तैयारी करते हैं उसके लिए आप देख सकते हो, उसके लिए आप तैयारी कर सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन का डिस्कशन हम करने जा रहे हैं। अभी तक हमने जो डिस्कस किया मेथड्स के बारे में डिस्कस किया, अब अगला बात कर रहे हैं पिग्नोमीटर मेथड इज सुटेबल फॉर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, पिग्नोमीटर दैट इज पिग्नोमीटर मेथड इज पिग्नोमीटर मेथड इज सुटेबल फॉर विच टाइप ऑफ सॉइल, विच टाइप ऑफ सॉइल, किस सॉइल के लिए यह सुटेबल होता है। पहला ऑप्शन दिया है दैट इज कोर्स ग्रेन सॉइल। किसकी बात कर रहा है? कोर्स ग्रेन सॉइल के बारे में बात कर रहा है। नेक्स्ट अगर बात करें दैट इज क्लेई सॉइल, बी ऑप्शन की बात करें दैट इज क्लेई सॉइल। नेक्स्ट अगर बात करें दैट इज सिल्टी सॉइल। नेक्स्ट अगर बात करें दैट इज क्लेई सॉइल, सिल्टी सॉइल, लास्ट में दैट इज नन ऑफ द एबव, मतलब इनमें से कोई भी नहीं हो सकता। तो अगर हम बात करें यहां पे इनमें से कोई नहीं हो सकता, अब देखो हमने क्या डिस्कस किया था कि जो मेथड आपका सुटेबल रहता है, जो पिग्नोमीटर आप यूज करते हो किस सॉइल के लिए सुटेबल रहता है उसके बारे में हम लोग यहां पे देखते हैं। देखो पिग्नोमीटर जो यूज किया गया था वो हम इसलिए यूज करते हैं कि हमें वाटर कंटेंट निकालना होता था और हम स्पेसिफिक ग्रेविटी को कैलकुलेट करते थे। मैंने बताया था कि ये जो सुटेबल होता है ये ग्रेवल और सैंड सॉइल के लिए होता है। अब यहां पे आप देखिए कोर्स ग्रेन सॉइल की अगर बात करें तो कोर्स ग्रेन सॉइल में 2 चीजें आ जाती हैं। इसमें अगर हम बात करें तो इसमें 2 चीजें आती हैं, दैट इज फर्स्ट वन इज ग्रेवल और सैंडी सॉइल। कोर्स का मतलब होता है ऐसे मॉलिक्यूल, ऐसे पार्टिकल्स जो अलग थलग रहते हैं, उनमें कोहेशन नहीं होता है, उनको अगर आप देखोगे क्रिस्टल रहते हैं, ठीक है। जैसे गेहूं की बात कर लें वो भी एक तरीके का कोर्स ग्रेन पार्टिकल रहता है, चावल की बात कर लें वो भी एक तरीके का कोर्स ग्रेन होता है। तो जिनमें कोहेशन नहीं होता है वो कोर्स ग्रेन सॉइल में आते हैं, जिसमें ग्रेवल आता है और सैंडी सॉइल आता है, ठीक है।
अब यहां पे पिग्नोमीटर मैंने बताया था कि जब W3 कैलकुलेट करते हैं, तीसरा वाला जो वेट निकालते हैं, जब पिग्नोमीटर बनाया था जिसमें सॉयल रहता है और उसके बाद पूरा पानी फिलअप रहता है, तो वहां पे हमने देखा था कि अगर क्ले सॉयल रहती है तो उस केस में पूरी एयर आप सोक्ड नहीं कर सकते। इस हिसाब से W3 का जो कैलकुलेशन होता है वो आप रॉन्ग कर सकते हो या गलत निकाल सकते हो। इस हिसाब से अगर हम देखें तो क्ले सॉयल जिसमें कोहेशन रहता है वो सुटेबल नहीं होता है। तो दो आंसर तो गए, तो कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए ये सुटेबल होता है, तो पिग्नोमीटर इज सुटेबल फॉर कोर्स ग्रेन सॉइल। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन ये कह रहा है विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट ओवन ड्राई मेथड वर्किंग टेम्परेचर फॉर डिफरेंट सॉइल। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहां से आपके सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाने चाहिए। वन नंबर क्या कह रहा है, दैट इज फर्स्ट पॉइंट कह रहा है फॉर इनऑर्गेनिक सॉइल टेम्परेचर ऑफ ओवन ड्राई इज 105 से लेकर के 110 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, नेक्स्ट बात ये कर रहे हैं, स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन है, दैट इज इंपॉर्टेंट है फॉर ऑर्गेनिक सॉइल टेम्परेचर ऑफ ओवन ड्राई इज नॉट ग्रेटर देन 80 डिग्री सेंटीग्रेड। थर्ड वन इज अगर बात करें, तीसरा बात कर रहे हैं फॉर जिप्सम सॉइल, अगर जिप्सम सॉइल है कैसी है, जिप्सम सॉइल टेम्परेचर ऑफ ओवन ड्राई इज नॉट ग्रेटर देन 60 डिग्री 60। उसके बाद पूछा है कि कौन से स्टेटमेंट सही है, तो पहला ऑप्शन देता है ओनली वन, बी ऑप्शन कहता है दैट इज ओनली 2 and 3, सी ऑप्शन कहता है दैट इज 1 and 3, और डी ऑप्शन कहता है ऑल ऑफ द अबव। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से पढ़िए, पहले वीडियो को पॉज कीजिए और आप आंसर निकाल सकते हो तो दैट इज वेरी गुड। अगर आपने चीजें क्लियर हैं आपको तो आप आंसर उसका बता सकते हो। तो पहले अगर हम बात कर लें, सबसे पहले यहां पे क्वेश्चन नंबर विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, यहां पे पहले तो अंडरलाइन करना है करेक्ट। देखो एग्जाम में अच्छा पढ़ना जरूरी इसलिए बोलता हूं क्योंकि मान ले कई बार क्या होता है स्टेटमेंट इनकरेक्ट पूछ लेता है, तो आपको क्या ध्यान रखना है कि यहां पे इनकरेक्ट पूछा है या करेक्ट पूछा है, इसको पढ़ना बहुत जरूरी होता है। मान लो इसका आंसर अगर इनकरेक्ट पूछा होगा तो आंसर कुछ और हो जाएगा, और करेक्ट पूछेगा तो आंसर कुछ और हो जाएगा। आप थोड़ी सी गलती आपको एग्जाम में क्या है कि नेगेटिव भी चले जाओगे, नंबर भी आपके कम हो जाएंगे, रैंक भी आपके पीछे हो जाएगी। तो आपको ध्यान रखना है कि छोटी छोटी बातें आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट देना। ओवन ड्राई की बात कर रहे हैं, ओवन ड्राई वर्किंग टेम्परेचर फॉर डिफरेंट सॉइल, बहुत सारी जो डिफरेंट सॉइल है उनके लिए कितना आप वर्किंग टेम्परेचर रखते हो। फॉर इनऑर्गेनिक सॉइल द टेम्परेचर ऑफ ओवन ड्राई इज 105 से 110 डिग्री सेंटीग्रेड, एकदम सही बात है। मैंने जब लेक्चर लिया था तो वहां पे बताया था फॉर इनऑर्गेनिक सॉइल 105 से 110 डिग्री सेंटीग्रेड रखते हैं, 110 से ज्यादा नहीं रहते हैं, क्योंकि 110 से जब ज्यादा टेम्परेचर कर दोगे तो जो स्ट्रक्चरल वाटर होता है वो लॉस्ट हो जाता है और सॉइल का जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है वो ब्रेक हो जाता है। तो टेम्परेचर को जो मेंटेन करना पड़ता है 105 से 110 के बीच में मेंटेन करना पड़ता है। नेक्स्ट अगर बात करें फॉर ऑर्गेनिक सॉइल टेम्परेचर ऑफ ओवन ड्राई इज नॉट ग्रेटर देन 80 डिग्री, 80 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, दैट इज रॉन्ग। मैंने क्या लिखाया था, जब ऑर्गेनिक सॉइल रहती है तो नॉट ग्रेटर देन कितना होना चाहिए 60 डिग्री,
ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें फॉर जिप्सम सॉइल द टेम्परेचर ऑफ ओवन ड्राई, मतलब जिप्सम सॉइल है, जिप्सम इसमें, जिप्सम में ऑर्गेनिक मैटर कम होता है, उतना नहीं होता जितना ऑर्गेनिक सॉइल में होता है, तो इसका जो टेम्परेचर है, मैंने ये बताया था, इसका जो टेम्परेचर है नॉट ग्रेटर देन, दैट इज अगर मैंने यहां पे देखा था दैट इज 80 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आप देख रहे हो कि दोनों में इंटरचेंज मैंने कर दिया, जिसमें 80 होना लिखा है मैंने वहां पे 60 होना चाहिए था, और जहां पे 60 है वहां पे क्या होना चाहिए था, 80 होना चाहिए था। अब आप देख सकते हो कि दो गलत है, जब दो गलत है तो ये बिल्कुल नहीं हो सकता, दो गलत है तो ये भी नहीं हो सकता, थर्ड भी गलत है, थर्ड गलत है तो ये भी नहीं हो सकता। तो आंसर इज द ओनली ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। तो इस हिसाब से आप देखोगे दैट इज द ए इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके के अगर क्वेश्चन आते हैं तो आप स्टेटमेंट फॉर्म में भी क्वेश्चन अगर बना दे तो आप क्वेश्चन कर सकते हो। हमने एक क्वेश्चन को कई फॉर्म में बना दिया ताकि तीनों पॉइंट यहां पे कंसीडर हो जाए। जब आप इस प्रकार के क्वेश्चन करते हो तो इससे आपको थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट और अच्छे बिल्डअप होंगे। वन लाइनर क्वेश्चन से क्या होता है कि हम रट के निकल जाते हैं, समझते नहीं है, लेकिन अगर इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलते हैं तो आप प्लीज उनको ज्यादा सॉल्व करिए, क्योंकि इससे क्या होता है कि हमारी जो लर्निंग पावर होती है, मेमोरी पावर होती है, वो और अच्छी होती चली जाती है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आप वहां पर कर सकते हो। नेक्स्ट की अगर हम बात करें, अगला क्वेश्चन जो डिस्कस करेंगे वो काफी अच्छा क्वेश्चन है, उसको दो तरीके से हम लोग करेंगे, एक शॉर्ट मेथड से भी करेंगे और लॉन्ग मेथड से भी करेंगे। तो वो भी क्वेश्चन ईएस में दो तीन बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कशन यहां पे करते हैं। तो नेक्स्ट डिस्कशन अगर हम देखें तो यहां पर हम लोग कर सकते हैं, दैट इज नेक्स्ट डिस्कशन की बात करें तो आप देखोगे सॉइल में अगर हम देखें यहां पर जो क्वेश्चन पहला दूसरा चैप्टर है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसका इंपॉर्टेंस आप देखोगे, मैक्सिमम क्वेश्चन अगर आप देखोगे शुरुआत के तीन चार चैप्टर से जितना पूछा जाता है उतना अगले जो टॉपिक है वहां से नहीं पूछा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि शुरुआत के जो चैप्टर्स हैं उनको काफी अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि यहां से जो प्रीलिम्स के एग्जाम्स होते हैं सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके शुरुआत के तीन चार चैप्टर से ज्यादा पूछे जाते हैं, तो इनको काफी अच्छे से हमको पढ़ना है। ऐसा नहीं कि आगे के टॉपिक अच्छे से नहीं पढ़ना है, लेकिन इन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से हमको पढ़ना होगा। तो अगला जो डिस्कशन है बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उसके बारे में हम लोग यहां पे डिस्कस करते हैं। ईएस में पूछा हुआ है लेकिन आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन ये कह रहा है, क्वेश्चन नेक्स्ट जो भी हो दैट इज शायद मुझे लगता है दैट इज 8 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है, सॉइल मास यूनिट वेट इक्वल टू गामा, वाटर कंटेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी जो आप सॉइल सॉलिड दैट इज जी एस, ठीक है। यूनिट वेट ऑफ वाटर बराबर गामा डब्ल्यू लिख सकते हो। ये पैरामीटर आपको शायद पहले से पता भी है अच्छे से, लेकिन फिर से मैं लिख देता हूं, दैट इज एस इज डिग्री ऑफ सेचुरेशन, ठीक है। उसके बाद में बोला है डिग्री ऑफ सेचुरेशन, दिस इज द गिवन दैट। तो ये पूछा है डिग्री ऑफ सेचुरेशन एस द सॉइल इज गिवन बाय ये क्वेश्चन में पूछा है। चार ऑप्शन बनाए हैं, अभी इस क्वेश्चन को दो मेथड से करते हैं। एस इज इक्वल टू दैट इज फर्स्ट ऑप्शन इज 1 plus W divided by gamma W upon that is gamma bracket में 1 plus W minus 1 upon क्या हो गया that is G। बी ऑप्शन क्या कहता है, दैट इज W अपान गामा डब्ल्यू अपान दिस 1 plus W minus 1 upon G। सी ऑप्शन ये है S इज इक्वल टू 1 plus W divided by gamma W upon gamma 1 plus W minus 1 upon GW। डी ऑप्शन कहता है S इज इक्वल टू W upon gamma W upon gamma 1 plus W minus 1 upon GW। इस तरीके के ऑप्शंस आपको वहां पे मेंशन किए गए।
अब ये क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये क्वेश्चन आईईएस में दो बार पूछा गया है। कितनी बार पूछा गया है? दो बार। तो ये 1900 आईईएस की अगर हम बात करें, 1998 2006 में फिर से इसका क्या हो गया? रिपीट। मतलब ये क्वेश्चन आईईएस में दो बार रिपीट हो चुका है, 1998 में पूछा गया है और आपका पूछा गया 2006 में। अब आप ये मान के चलिए कि ऐसे क्वेश्चन एसएससी जेई में काफी प्रेफर किए जाते हैं, सीधे क्या करते हैं लोग हैं आईईएस के क्वेश्चन उठा के क्या कर देते हैं, पुटअप कर देते हैं। देखो इस क्वेश्चन करने के दो तरीके, लॉन्ग मेथड से भी समझा देता हूं और शॉर्ट मेथड से भी समझा देता हूं, जो आपको सही लगे आप उससे कर सकते हो। अगर मैं पहले बात करूं लॉन्ग मेथड से, लॉन्ग मेथड गामा क्या होता है, दैट इज जी प्लस एस ई अपॉन वन प्लस ई इंटू गामा डब्ल्यू, ठीक है। अब ये काम करते हैं जी डब्ल्यू इज इक्वल टू एस ई, हमें पता रहता है, ठीक है। हम क्या करेंगे यहां पे, मुझे जो आंसर लाना है वो किसमें लाना है, मुझे जो भी वैल्यू लिखनी है वो एस इज इक्वल टू लिखनी है, सब में एस के बराबर वैल्यू निकालना है। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे आंसर में कहीं पे भी आपको वाइड रेशियो दिखाई नहीं पड़ रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि आपको वाइड रेशियो क्या करना है, रिप्लेस करना है, वाइड रेशियो को तो हटाना है लेकिन डिग्री ऑफ सेचुरेशन को हटाना नहीं है, उसको यहां पे रखना है। अगर मैं यहां पे एक चीज और ध्यान दीजिए, यहां पे वाटर कंटेंट नहीं है, वाटर कंटेंट को आपको लाना पड़ेगा। तो एक काम कर सकते हैं, गामा इज इक्वल टू जी प्लस एस ई की जगह पे लिख सकते हैं जी डब्ल्यू डिवाइड बाई वन प्लस ई, वाइड रेशियो की वैल्यू ई इज इक्वल टू लिखोगे जी डब्ल्यू अपान एस, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं जी डब्ल्यू अपान एस इंटू गामा डब्ल्यू। एक काम करते हैं यहां पे कि हम डिवाइड कर लेते हैं। देखो यहां पे क्या करेंगे कि अगर मैं जी से डिवाइड कर लूं तो हमारा आंसर आ सकता है। अब ऑप्शन से भी काम कर लेते हैं कि किस फॉर्म में आंसर आ रहा है। सब में देखिए गामा डब्ल्यू अपान गामा है, तो मैं क्या करूंगा सबको गामा डब्ल्यू अपान गामा में चेंज करूंगा। तो एक काम करते हैं इसको इधर लेके आते हैं, वन प्लस जी डब्ल्यू अपान एस इजकल टू जी प्लस जी डब्ल्यू, ठीक है। यहां पे टर्म आएगा गामा डब्ल्यू अपान गामा, ठीक है। अब एक काम करते हैं यहां पे हमें जो टर्म लाना है वो गामा डब्ल्यू अपान समथिंग एस के टर्म में आंसर लाना है, तो एक काम कर सकते हैं जी से सबको डिवाइड कर देते हैं। जी से जब डिवाइड करोगे, जी से डिवाइडेड बाई कैपिटल जी, डिवाइडेड बाई कैपिटल जी, तो वन अपान जी प्लस डब्ल्यू अपान एस इंटू जी डिवाइड बाई जी कैंसिल आउट हो जाएगा। यहां जी कॉमन ले लोगे तो आ जाएगा वन प्लस डब्ल्यू, जी से डिवाइड दोनों साइड में किया है, गामा डब्ल्यू अपान गामा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, क्लियर। अब एक काम कर सकते हो, यहां पे जो आंसर हमको लाना है वो ये आंसर आएगा वन अपान जी प्लस डब्ल्यू अपान एस, दैट इज वन प्लस डब्ल्यू गामा डब्ल्यू गामा। इस तरीके से आप देख सकते हो मुझे एस की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं इसको एक टर्म को इधर लेके आएंगे, वन बाई जी माइनस गामा डब्ल्यू अपान गामा ब्रैकेट में वन प्लस डब्ल्यू, ठीक है, दैट इज डब्ल्यू बाई एस। तो एस इजकल टू टर्म आएगा डब्ल्यू डिवाइड बाई वन अपान जी, ठीक है, वन अपान जी, यहां पे जो टर्म आएगा एक काम करते हैं यहां पे भी माइनस आ जाएगा क्योंकि इसको जब आप इधर लेके आओगे माइनस का टर्म आएगा, ठीक है। अब एक काम करते हैं, ये अगर आप टर्म लिखोगे तो यहां पे भी माइनस रहेगा और एक ब्रैकेट में वन बाई जी माइनस गामा डब्ल्यू अपान गामा और यह आ जाएगा वन प्लस डब्ल्यू। माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड, तो एस इज इक्वल टू डब्ल्यू अपान गामा डब्ल्यू अपान गामा वन प्लस डब्ल्यू, ठीक है, माइनस वन अपान जी, दिस द करेक्ट आंसर। इतना देखो आपको इसको सॉल्व करने में मुझे लगता है 3 मिनट तो आपको लग ही गया होगा, लेकिन एग्जाम में इतना टाइम तो नहीं रहता है कि आप इतना ज्यादा सॉल्व करो और आपको आंसर, या तो इसको रट लो, एक तो तरीका यह हो सकता है, लेकिन रटने से क्या होता है कि माइंड के ऊपर बर्डन बहुत ज्यादा हो जाता है। आपको क्या करना है यहां पे, इसको एक दूसरे मेथड से करते हैं, मैंने क्या बताया था आपको, इसको शॉर्ट मेथड से करते हैं, शॉर्ट ट्रिक, कैसे समझ में आ जाएगा आई होप। आप ये बताइए कि अगर सॉइल ड्राई कंडीशन में रहेगी, कुछ कंडीशन से हमको समझना पड़ेगा, ड्राई सॉइल अगर रहेगी, ड्राई सॉइल जब रहेगी तो डिग्री ऑफ सेचुरेशन कितना होता है, एस इज इक्वल टू जीरो, एस क्या रहता है जीरो। चार ऑप्शन में से एक काम करिए आप,
कि सॉइल को क्या कर दीजिए, अगर आप ड्राई कर देते हैं, कैसा कर देते हैं, ड्राई कर देते हैं। ड्राई करने का मतलब है कि यहां पे W की वैल्यू क्या लिख सकते हो, वाटर कंटेंट तो भैया क्या हो जाएगा, जीरो भी हो जाएगा, क्योंकि वहां पे वाटर कंटेंट बिल्कुल नहीं आएगा, तो W की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, जीरो। चार ऑप्शन में से आप ये बताइए, अगर मैं W इजकल टू जीरो पुट अप कर दूं, सपोज मैं यहां पे पुट करता हूं, अगर मैं W को यहां पे, अगर मैं W को अगर सपोज दिस इज द मैं जीरो पुट करता हूं, क्या पुट करता हूं, जीरो, तो क्या एस बराबर जीरो आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, क्यों, एस इजकल टू वन आ जाएगा, यहां पे जीरो करोगे तो वन प्लस W आएगा, लेकिन वाटर कंटेंट अगर हम इस ऑप्शन में पुट करें, वाटर कंटेंट इजकल टू जीरो पुट करें, तो हमारा आंसर एस इजकल टू भी जीरो आना चाहिए था, लेकिन नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये आंसर नहीं हो सकता। बहुत आसान है, आप समझोगे तो क्लियर कर ले जाओगे, जितना भी वन प्लस वन वाला टर्म है ऊपर वो बिल्कुल आंसर नहीं हो सकता, अगर आप देखोगे तो ये भी आंसर नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि वाटर कंटेंट जैसे ही जीरो करोगे डिग्री ऑफ सैचुरेशन जीरो आना चाहिए, लेकिन नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि यहां पे वन प्लस क्या है, W है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। देखिए कैसे समझना होता है, कई बार ऑप्शन को बिना सॉल्व के भी हम आंसर निकाल देंगे। उसके बाद बात करते हैं, यहां पे बी ऑप्शन बचता है और एक डी ऑप्शन बचता है, क्या सर बी वाला आंसर होगा कि सर डी वाला, इसमें कंफ्यूजन आ गया। एक यहां पे ऑप्शन देखिए, वन अपॉन जी इंटू W है, ठीक है, तो अगर आप देखोगे यहां पे ये जो टर्म आ रहा है वन अपॉन W, अगर मैं सॉइल को ड्राई माना हूं तो W की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो, और वन माइनस वन अपॉन अगर मैं जीरो करके देखूं तो वन अपॉन जीरो क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, क्या होता है, दैट इज इनफाइनाइट होता है, और इनफाइनाइट क्या होता है, डिफाइंड नहीं होता है, इसका मतलब है कि वाटर कंटेंट कभी भी यहां पे अगर आप देखोगे तो आप पुट अप नहीं कर सकते वन अपॉन W, क्योंकि वन अपॉन जो W होता है, और W इक्वल टू जीरो पुट अप करोगे तो वहां से आंसर आएगा इनफाइनाइट, तो आप देखोगे कि यहां पे जो इनफाइनाइट है वो आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि वन अपॉन आप देखोगे इनफाइनाइट का टर्म आ रहा है, तो इनफाइनाइट इज नॉट डिफाइंड, तो आप देखोगे दैट इज द आंसर इज नॉट करेक्ट, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि कौन सा आंसर सही होगा, सही आंसर आप देख सकते हो दैट इज द बी इज द करेक्ट आंसर। तो आप देखो कोई भी क्वेश्चंस होता है उसमें जो भी उसकी नॉर्मल कंडीशन होती है, जितना भी बेसिक फंडा आपने थ्योरी का क्लियर किया उसका बेसिक फंडा आपको क्लियर होना चाहिए कि ये ऑप्शन हो सकता है कि नहीं। जैसे मैंने एक चीज और बताई, सपोज आप कोई भी क्वेश्चन होता है आप उसमें जो बेसिक कंडीशंस होती हैं, जैसे ड्राई होगी सैचुरेटेड होगी, ऐसी कंडीशन को अप्लाई करके देखिए कि आप ऐसा कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, तो इस हिसाब से आंसर आप बहुत ही आसानी से निकाल सकते हो। तो इसका आंसर हो जाएगा बॉम्बे, दैट इज बी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का जो डिस्कशन है उसके बारे में हम लोग यहां पे सॉल्व करते हैं। ऐसे क्वेश्चन यहां पे एसएससी जेई आईएएस में आ चुका है, लेकिन ये ऐसे क्वेश्चन एसएससी जेई में बहुत ज्यादा चांस है आने के, तो आप इसको एक काम करिए कि इसको शॉर्ट तरीके से लगा लीजिए तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म से इसको सॉल्व करने में एग्जाम में टाइम नहीं होता, क्योंकि एसएससी जेई में आप देखते हो 100 क्वेश्चन होते हैं टेक्निकल के और 100 क्वेश्चन होते हैं नॉन टेक के, टाइम कितना होता है 2 घंटे, तो आपको एक क्वेश्चन पे मैक्सिमम जो टाइम देना है वो बहुत कम देना होता है, 30 सेकेंड 40 सेकेंड इससे ऊपर नहीं होना चाहिए, तभी आप स्कोर कर सकते हो 100 में 70, 75, 80 के आसपास। इसलिए ध्यान रखना कि आपको टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि जब तक टाइम मैनेजमेंट आप नहीं करोगे तब तक आप, पता चला सिलेक्शन में 1 नंबर से रह गए, 2 नंबर से रह गए, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि जो भी है टाइम मैनेजमेंट करके लगाना है, टेस्ट सीरीज देना है, उसका एनालिसिस करना है बहुत अच्छे से, जो लोग भी अभी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लिए होंगे जो टेस्ट दे रहे हैं उसको प्रॉपर एनालाइज भी करना जरूरी है, ऐसा नहीं कि टेस्ट दे दिए अगला फिर देते जा रहे हैं बिना तैयारी किए हुए, नंबर वही कांस्टेंट चल रहा है, आपको प्रॉपर भी क्या करना है टेस्ट के अंदर एनालिसिस करना है कि हम कहां पे स्टैंड कर रहे हैं, क्या मेरी कमी है, क्या मुझे रिविजन करना चाहिए, कहां पे अभी कमियां आ रही हैं जिनको दूर करना चाहिए, क्या सिली मिस्टेक्स हो रही हैं उनको लिखना चाहिए, जो गलतियां हो रही हैं उनको दोबारा ऐसी गलती नहीं करनी है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं, दैट इज वो भी एक क्वेश्चन आया हुआ, दैट इज आईईएस में ये भी क्वेश्चन आया है, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दैट इज 9 नंबर, ये कह रहा है इफ अ सॉइल सैंपल ऑफ वेट 0.18 kg, ये सॉइल सैंपल का वेट है, हैविंग अ वॉल्यूम ऑफ वैल्यूम ऑफ 0.0001 m³, इतना वैल्यूम दिया हुआ है, ठीक है, एंड ड्राई यूनिट
वेट ऑफ ऑफ 1600 केजी पर मीटर क्यूब, 1600 केजी मीटर पर क्यूब है, इज मिक्स्ड विथ 0.02 केजी ऑफ वाटर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आईएएस में पूछा हुआ है, ऑफ वाटर। देन द वाटर कंटेंट क्या निकालना है, दैट इज वाटर कंटेंट इन द सैंपल विल बी ए दैट इज 30%, बी दैट इज 25%, उसके बाद है सी दैट इज 20%, उसके बाद डी कह रहा है दैट इज 15%। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आईएएस में पूछा हुआ है, दैट इज आईएएस में क्वेश्चन पूछा, ईयर तो नहीं लेकिन आईएएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ईयर मुझे कंफर्म नहीं है लेकिन हाँ ये क्वेश्चन आईएएस में पूछा गया, ये मुझे कंफर्म है। अब पहले ये समझ लेते हैं मुझे वाटर कंटेंट चाहिए, तो वाटर कंटेंट अगर मुझे चाहिए यहां पे, तो एक बात ये है कि वाटर कंटेंट क्या होता है, वेट ऑफ वाटर होता है, और वेट ऑफ क्या होता है, सॉलिड होता है इनटू 100 कर देते हैं, क्योंकि आंसर क्या चाहिए, परसेंटेज में चाहिए। ठीक है, अब पहला काम यह है कि मुझे किसी तरीके से यहां पे वेट ऑफ सॉलिड पता चल जाए, तो हम आंसर को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। और एक खास बात यहां पे क्या दिया गया, दैट इज मिक्स्ड विद 0.02 केजी, किसके साथ मिक्स किया गया है, 0.02 केजी वाटर अलग से मिक्स किया गया है। एक सॉयल सैंपल आपके पास है, इस सॉयल सैंपल ऑफ वेट 0.18 केजी, ये सॉयल सैंपल आपको दे दिया गया, और बाद में एक्स्ट्रा कितना मिक्स किया गया है, 0.02 केजी वाटर आप मिक्स किया गया है। अब आपको बताना है कि उसका वाटर कंटेंट क्या रहेगा। तो पहले हमारा जो काम रहेगा वो हम ये निकाल लेते हैं कि फर्स्ट केस में कितना रहता है। तो सबसे पहले आपके पास सॉलिड का देखो यूनिट वेट दिया हुआ है और वॉल्यूम भी दिया हुआ है, तो पहला काम ये करते हैं, सबसे पहले गामा एस इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉलिड्स अपॉन वॉल्यूम लगाएंगे। ठीक है, वॉल्यूम आप बोल रखा है ना, है इसका ड्राई कंडीशन में बोल रखा है, तो आप देखिए जो सॉइल है वो ड्राई कंडीशन में है, तो ड्राई कंडीशन में मतलब ये होता है कि पूरी तरीके से जो वाइड्स हैं वो एयर से क्या होते हैं, फिलअप होते हैं। अब गामा ऐसा अगर हम बात करें यहां पे, दैट इज मेंशन किया है गामा ड्राई, तो यहां पे ड्राई पुट अप करोगे, ड्राई की वैल्यू कितनी है, 1600 डब्ल्यू एस अपॉन 10^-4 लिख सकता हूं, 0.001 को मैं क्या लिख सकता हूं, 10^-4 मीटर क्यूब। तो आप देखोगे जो WS होगा वो यहां से निकल के आएगा 0.16 केजी, ये सॉलिड का क्या हो गया, वेट हो गया। और जो टोटल वेट आप देखोगे दिया गया है, दैट इज टोटल वेट ये है कितना, 0.18 केजी। क्लियर, अब आप ये बताइए यहां से वाटर नहीं निकाल पाओगे, वाटर वन पहले अगर हम देखें तो WT माइनस WS अगर हम कर दें तो 0.18 केजी प्लस माइनस 0.16 केजी, यहां से आंसर आपका निकल आएगा 0.02 केजी। ठीक है, कितना निकल के आएगा, 0.02 केजी। ये वाटर पहले से अवेलेबल था, ध्यान दीजिएगा ये वाटर पहले से अवेलेबल था, तो मैं मान लेता हूं इसका वन मान लेता हूं, लेकिन आप देख रहे हो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फिर से मिक्स किया गया है, जो मिक्स किया गया है वो कितना किया गया है, आप यहां पर अच्छे से पढ़िए, मिक्स विथ 0.02 केजी, ये मिक्स कर दिया गया है, तो नेट अगर आप देखोगे वेट ऑफ वाटर आएगा W1 + W क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो 0.02 + 0.02 इक्वल टू 0.04 केजी आंसर आ जाएगा। क्लियर, अब ये 0.04 केजी अगर आंसर आ गया, अब मुझे चाहिए वाटर कंटेंट, तो वाटर कंटेंट होता है वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड, वेट ऑफ वाटर आपको पता चल गया 0.04 डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉलिड आपने पहले से निकाल रखा, दैट इज 0.16 केजी, आप यहां पे पुट अप करोगे तो 0.16 केजी इनटू 100 परसेंटेज में निकालना है, 4×16 और ये 4 से 25 जाएगा, दैट इज कितना आएगा, 25% आंसर आपका करेक्ट आंसर होगा, कितना हो गया 25%। तो आंसर आप देखोगे 4 ऑप्शन में से दैट इज द करेक्ट आंसर, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखने में छोटा क्वेश्चन लगता है लेकिन हाँ बेसिक फंड आपको अगर क्लियरिटी आ जाएगी तो ऐसे क्वेश्चन भी अगर आते हैं तो आप सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट अगर बात करें, नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा है वो ये है,
अगला जो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे उस बहुत अच्छा वो भी क्वेश्चन पूछा गया है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन आ वेट सॉइल, वेट सॉइल समझते हो जो गीली सॉइल रहती है, वेट सॉइल मास एयर अक्यूपाइज, एयर अक्यूपाइज 1/4, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1/4 ऑफ इट्स वॉल्यूम, ऑफ इट्स वॉल्यूम एंड वाटर अक्यूपाइज 1/2 इट्स वॉल्यूम 1/2 इट्स वॉल्यूम, द वाइड रेशियो ऑफ द सॉइल इज, पहला ऑप्शन है 1, बी ऑप्शन है दैट इज 2, सी ऑप्शन है 3 और डी ऑप्शन है दैट इज 4। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी पढ़ना है। पहले उसने क्या किया, पहले हम फेज डायग्राम बनाते हैं, तीनों कंडीशन की बात कर रहा है, दैट इज दिस, ये सॉलिड हो जाएगा। उसके बाद क्या बोला है कि 1/4 ऑफ इट्स वॉल्यूम एंड वाटर अक्यूपाइज 1/2, वाटर ज्यादा अक्यूपाई कर रहा है तो इसका मतलब मैं ये कर देता हूं हाफ पोर्शन, ठीक है, और ये 1/4 है, कितना है 1/4 एयर, तो दैट इज वी एयर, ये एयर का वॉल्यूम हो जाएगा, ये यहां पे दिस किसकी बात हो जाएगी वाटर की, ठीक है, और ये हो जाएगा सॉलिड का वॉल्यूम। बस डायग्राम से समझ जाओगे तो क्वेश्चन निकाल लोगे, और जो ये बात करें ये टोटल वॉल्यूम हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां पे यही ध्यान देना है कि किसकी वो बात कर रहा है, क्लियर। अब एक चीज यहां पे एक और ध्यान दीजिए कि टोटल को मैं यहां पे वी से डिनोट करता हूं, कैपिटल वी से, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है। अब वेट सॉइल मास एयर ऑक्यूपाइज 1/4 ऑफ इट्स वॉल्यूम, 1/4 ऑफ इट्स वॉल्यूम का मतलब है कि सॉइल का यहां पे जो वॉल्यूम है वो टोटल वॉल्यूम की बात कर रहा है, ना कि यहां पे ध्यान दीजिएगा इट्स वॉल्यूम का मतलब होता है कि सॉइल का पूरा वॉल्यूम का वो कितना पार्ट है, ये वाला अगर पार्ट की बात करें एयर की तो ये हो जाता है वी बाई दैट इज 4 और ये बात करें वी बाई 2। ध्यान दीजिएगा अच्छे से, अगर यहीं पे 1/4 ऑफ इट्स सॉलिड वॉल्यूम बोलता तो आपको यहां पे वीएस बाई 4 करना पड़ता, वीएस बाई 2 करना पड़ता। ध्यान दीजिए आप इट्स वॉल्यूम का मतलब होता है कि सॉइल जिस स्टेट में है उसके टोटल वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। तो यहां पे अगर हम बात करें तो अगर आपको निकालना है तो आप देखोगे मुझे क्या चाहिए, वाइड रेशियो। वाइड रेशियो क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वाइड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड होता है। वॉल्यूम ऑफ वाइड्स की अगर बात करें तो ये जो आप स्पेस देख रहे हो ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ वाइड्स है। तो वॉल्यूम ऑफ वाइड्स अगर आप देखोगे तो वॉल्यूम ऑफ एयर आएगा प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर आएगा, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ एयर की अगर बात करें तो यहां पे v बाई 4 आ जाएगा प्लस v बाई क्या आ जाएगा 2। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आंसर निकाल के आप देखोगे तो इसका आंसर जो आता है, अगर दैट इज जोड़ोगे जब 4 एलसीएम हो जाएगा तो यहां बचेगा दैट इज 1 + 2, तो इसका आंसर होगा 3/4 इंटू V हो गया। अब मुझे चाहिए सॉलिड का वॉल्यूम, तो सॉलिड का वॉल्यूम प्लस वाइड का वॉल्यूम इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम। तो मुझे चाहिए सॉलिड का वॉल्यूम, तो V में से वाइड का वॉल्यूम घटा दोगे तो V माइनस 3/4 कर दोगे दैट इज V, आंसर आएगा V बाई 4। अब मुझे क्या चाहिए, वाइड रेशियो चाहिए, तो वाइड रेशियो की डिफिनेशन में वाइड का वॉल्यूम आपको मिल गया दैट इज कितना है 3/4 इंटू V, तो यहां पे पुट करोगे 3/4 इंटू वी, क्लियर। और उसके बाद में आपके पास सॉलिड का जो वॉल्यूम है वो कितना आया वी बाई 4, तो आप पुट कर दोगे दैट इज वी बाई 4। अब ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो आंसर ई का आएगा दैट इज 3, तो करेक्ट आंसर इसका कितना आ गया 3, तो इस हिसाब से इसका आंसर हो गया सी। तो बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, ये आईएएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो आप ये भी क्वेश्चन देखोगे दैट इज आईएएस, तो ऐसे क्वेश्चन एसएससी जेई में अगर रिपीट होते हैं तो आप इसको बहुत ही आसानी से कर सकते हो, सीधे कॉपी पेस्ट करते हैं, कुछ भी चेंज नहीं करते हैं। तो आप देखोगे कि आप अगर अच्छी प्रैक्टिस करोगे तो कई बार आपको जो आंसर होगा वो रिमेंबर हो जाता है, तो आप बिना देखे उसको फिर टिक कर सकते हो।
अब हम लास्ट क्वेश्चन इसका करेंगे जो इस टॉपिक का है। जैसे जैसे हम टॉपिक पढ़ते जाएंगे साथ में क्वेश्चन करते जाएंगे ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट हैं उसमें कोई दिक्कत ना आपको आए, क्योंकि जो हमें पढ़ना है वो अच्छे से पढ़ना है। ऐसा नहीं कि हम जल्दबाजी में कोई चीज़ पढ़ जाएं, क्योंकि देखिए प्री के बाद मेंस भी होता है, तो आप अगर चीज़ें अच्छी क्लियर रखोगे तभी जाके आपको मेंस में भी फायदा मिलेगा, नहीं तो आप प्री निकाल के तो बैठ जाओगे लेकिन मेंस में आपको उसका फायदा नहीं मिलेगा। तो इस हिसाब से प्री निकाल के नहीं बैठना है, क्योंकि मेंस में भी हमें चीज़ें पढ़नी है, अच्छा करना है, इस हिसाब से हम लोग उसको अच्छे से पढ़ेंगे। क्योंकि प्री निकालने के बाद आप बैठ जाओगे या नहीं निकला किसी कारण से, क्योंकि मेंस में जो क्वेश्चन होते हैं वो कॉन्सेप्चुअल होते हैं, तो उसको पढ़ने के लिए आपको जब तक बेसिक फंडा नहीं क्लियर होगा तब तक आपको दिक्कतें आएंगी। इसलिए हमको क्या करना है, अच्छे से पढ़ना है, एक बार पढ़ना है लेकिन अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, ताकि हमें जब भी हम कोई एग्जाम में बैठें हमारा हर एग्जाम में सिलेक्शन हो, ऐसा नहीं कि एक एग्जाम, तो इस हिसाब से हमको पढ़ना है। लास्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन आईईएस में कई बार रिपीट हुआ है, दैट इज क्वेश्चन नंबर जो भी हो 11 है, आईईएस में पूछा हुआ है, कई बार पूछा हुआ है, 2 times या 3 times पूछा गया है, गेट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, एसएससी जेई के लिए भी। अ फिल हैविंग अ वैल्यूम ऑफ कितना वैल्यूम बोला है, ऑफ 150000 क्यूमेक या मीटर क्यूब बोल सकते हो, इज टू बी कंस्ट्रक्टेड का मतलब बनाना होता है, ठीक है, एट अ वाइड रेशियो ऑफ 0.8 द बारो पिट सॉइल हैज वाइड रेशियो ऑफ 1.4। उसके बाद क्या कहा, द वॉल्यूम ऑफ सॉइल रिक्वायर्ड द वॉल्यूम ऑफ सॉइल रिक्वायर्ड ब्रैकेट में इन मीटर क्यूब, यूनिट उसने मेंशन कर रखी है, टू बी एक्सकेवेटेड मिट्टी एक स्थान से दूसरे स्थान पे क्या करना है, ले जाना है, फ्रॉम द बारो पिट ठीक है, बारो पिट विल बी क्लियर। अब उसने पहला ऑप्शन दिया, दैट इज वन, पहला ऑप्शन है 1.875000 बी 2000 डी दैट इज 25000। इस तरीके से ऑप्शन को बना दिया। अब थोड़ा कहानी समझ लेते हैं कि इसका मतलब क्या है। फिल हैविंग अ वैल्यूम ऑफ इतना, इज टू बी कंस्ट्रक्टेड एट वाइड रेशियो ऑफ इतना, द बारो पिट सॉइल हैज वाइड रेशियो 1.4, द वैल्यूम ऑफ सॉइल रिक्वायर्ड टू बी एक्सकवेटेड फ्रॉम द बारो पिट। इसका मतलब समझते हैं, सपोज आपको डायग्राम से समझ जाओगे तो बहुत अच्छा रहेगा कि कैसे हम चीजों को बनाते हैं। सपोज ये आपका यहाँ पे आपको कहीं पर डैम बनाना है या एम्बैकमेंट बनाना है, क्लियर। आपने क्या किया, यहाँ पे एक बारो पिट जो एक्सकवेशन होता है उसको आपने किया, यहाँ पे दैट इज दिस, ये ग्राउंड लेवल है, ठीक है, ये ग्राउंड लेवल है, दैट इज ग्राउंड लेवल, और आपने क्या किया यहां पे मिट्टी को क्या कर दिया, डिग किया, इस तरीके से आप निकाल लो सॉइल को, ठीक है, यहां पे अगर हम बात कर लें, ये आप लेके आए सॉइल, एक्सकेवेटेड फ्रॉम बारो पिट, इसको बोलते हैं बारो पिट, जहां से मिट्टी लेके जाते हैं खुदाई करना पड़ता है उसे बोलते हैं बारो पिट।
अब सपोज आपको यहाँ पे क्या करना है, सपोज इस प्लेस पे आपको एक एम्बैकमेंट बनाना है, क्या बनाना है, दैट इज एम्बैकमेंट, कुछ ना कुछ एम्बैकमेंट का, जैसे आपको कोई एक्सप्रेस वे बनाना है या कोई रेलवे ट्रैक बनाना है तो वहाँ पे क्या करना होता है, डंपर ट्रक का यूज करते हो आप, ठीक है, ट्रक का यूज करोगे तो यहाँ पे क्या करोगे, जो भी है कि जैसे सपोज इस तरीके से अगर हम बात करें, ठीक, इसमें मिट्टी आप लेके आए और इसको आपको ले जाना है, ठीक है, इसमें आपने मिट्टी को क्या कर दिया, फिलअप कर दिया, क्लियर, मिट्टी फिलअप करके हम लोग क्या करते हैं, यहां से लेकर के एम्बैकमेंट बनाना होता है, ट्रांसपोर्टेशन करना पड़ता है, ठीक है। अब ये क्या है, एम्बैकमेंट है, एम्बैकमेंट तो कई बार क्वेश्चन ऐसे ही लैंग्वेज में बोलेगा एम्बैकमेंट, यहां पे क्या करना होता है, कॉम्पैक्ट करके कॉम्पैक्शन करना पड़ता है ताकि उसकी बियरिंग कैपेसिटी, शियर स्ट्रेंथ, बहुत सारी चीजों को मजबूत करना होता है। तो ये एम्बैकमेंट आपने बना दिया कॉम्पैक्ट करने के बाद में, मिट्टी लेके आए, इसका आप देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में, इसका जो वाइड रेशियो है बारो पिट का, दैट इज 1.4, ये है क्या, पिट, बारो पिट, और जो ये वाइड रेशियो है, ये वाइड रेशियो आपको मेंशन है क्वेश्चन में, दैट इज कितना है, वैल्यूम ऑफ फिल, जो फिल करना है, कंस्ट्रक्ट करना है, दैट इज 0.8, और इसका जो वैल्यूम दिया हुआ है दैट इज कितना दिया है, 1.5000, ये हुआ, ठीक है। इसको मैं एम्बैकमेंट मान लेता हूं या फिल कर देता हूं, इसको फिल भी कर सकते हो, फिल, वहां से एक्सक्वेट करना है और यहां पे ट्रक के थ्रू क्या करके ले आना है, आपको फिल करना है या एम्बैकमेंट बना सकते हो। मिट्टी का इतना ही काम होता है कि एक स्थान से लेकर के दूसरे स्थान पे पटाई करना होता है, कॉम्पैक्ट करते हैं, चीजों को मजबूत बनाते हैं। अब हम इसमें बेसिक फंडा क्या लगाएं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मेंस में भी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। मुझे यह पता, एक रिलेशन हमने पढ़ा था क्या, कि जो वैल्यूम ऑफ सॉलिड होता है वो वीटी अपान टोटल वैल्यूम अपान 1+ ही होता है। अब मैं एक बात और बताऊं कि जो वैल्यूम ऑफ सॉलिड होता है, वीएस इज कांस्टेंट बिफोर एंड आफ्टर कंपैक्शन, बिफोर एंड आफ्टर कंपैक्शन और एक्सकेवेशन, कुछ भी करिए आप, ठीक है, वैल्यूम ऑफ जो सॉलिड होता है वो फिक्स रहता है, चेंज नहीं होता है। तो आप एक प्रॉपर्टी लगा सकते हो, क्या, कि वीएच इज इक्वल टू वीटी अपॉन 1+ ही। अब एक काम करते हैं, सपोज यहां पे मैं मानता हूं एक को, तो मैं मानता हूं फिल, और अपॉन 1+ मैं क्या मान लिया, दैट इज वाइड रेशियो ऑफ फिल, दैट इज क्या लगा सकता हूं, वहां पे क्या है, दैट इज पिट है, तो इसको बारो पिट को बीपी से हम डिनोट करते हैं, डिवाइड बाई 1+ आप बारो पिट, क्लियर। अब आप ये बताइए, फिल का वैल्यू मुझे दिया है, दिया है, कितना, 15 × 10⁴, मैं 4 लिखता हूं, ज्यादा कैलकुलेशन बार बार लिखने से कोई फायदा नहीं, कि 4 बार 0 लिखो, 1+ 0.8 ये मुझे निकालना है बारो पिट का, अपान 1+ कितना लिख सकते हैं, 1.4 दिया हुआ है वाइड रेशियो बारो पिट का, 1.4, तो बारो पिट का जो वैल्यूम निकल के आएगा फ्रेंड्स, वो ये निकल के आएगा 15 × 10⁴ इंटू 2.4 डिवाइड बाई 1.8, 6 से कैंसिल आउट करिए, 6 4 6 3 3 से ये कैंसिल आउट होगा 5, तो आंसर आएगा 20 × 10⁴, या इसको लिख सकते हो 20 उसके बाद में, दैट इज 200 मीटर क्यूब, तो ये आंसर हमारा आपका, दैट इज द बी इज द करेक्ट आंसर। ऐसे क्वेश्चन आईएएस के मेंस में 10 नंबर में पूछ लेता है, एसएससी जेई में भी 10 नंबर में मेंस में पूछ लेता है, गेट में 2 नंबर में 1 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है। तो आप ये ध्यान रखिए कि आपको कैसे याद रखना है, 4 ऑप्शन में से इसको शॉर्ट ट्रिक से तो सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल लगता, लेकिन हाँ अगर आपको चीजें प्रैक्टिस हो जाएंगी तो डायरेक्टली आंसर कर सकते थे। कैसे, बस एक काम करिए, 1+ ये हो जाएगा, 1 ऐड कर देना, 2.4 डिवाइड बाई कर दीजिएगा 1.8, और जो हो मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो वहां से भी कई बार आप आंसर उसको निकाल सकते हो। तो फ्रेंड्स आज के लिए हम लोग इतना ही, मतलब जो भी क्वेश्चंस थे मैक्सिमम हमने वो किए, और जो अगला टॉपिक होगा उस पर हम पढ़ेंगे सॉइल का क्लासिफिकेशन, वो बहुत ही अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे, और उन पे भी आने वाले जो क्वेश्चंस होंगे उनको भी हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड हैप्पी लर्निंग।